बीजेपी, जनशक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से ये पहल। थैंक यू सर। हाँ बढ़िया सर। श्री मनोज सिन्हा जी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के विधिवत स्वागत हेतु हम निवेदन करेंगे श्री शालीन काबरा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनशक्ति। यहाँ के डीसी अवनी लवासा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मंदिरों के शहर जम्मू के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। इस प्राचीन आध्यात्मिक नगरी की जीवन रेखा कही जाने वाली तवी नदी पर बैराज का काम पिछले 12 वर्षों से लटका हुआ था। 2010 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी, पार्शियली मैंने थोड़ा बहुत काम हुआ था और वर्षों से जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस परियोजना को शुरू किया गया था वो लक्ष्य अधूरे पड़े हुए थे। ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में देरी नहीं हुई, बल्कि एक रवायत सी बन गई थी, एक परंपरा बन गई थी कि कोई भी प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा। अभी अरुण मेहता जी ने जिक्र किया लेजर शो का, मुझे याद है उस दिन मैं महाभारत की एक कथा सुनाया था, याद है चंद मोहन जी, और रविंद्र रैना जी, इसलिए उसको दोहराना चाहता हूं। जब पांडव के पांचों भाई मृत प्राय हो गए थे, चारों भाई, तो युधिष्ठिर बड़े पेशोपेश में थे। यक्ष ने उनसे कहा कि मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, अगर इन प्रश्नों का सही उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे भाई फिर से जिंदा हो जाएंगे। 5 प्रश्नों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, एक उसमें कठिन प्रश्न था, यक्ष प्रश्न ऐसे ही बड़े कठिन होते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है,